Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 10th chapter of 12th history. The name of the chapter is Colonialism and the Countryside. ये इस चैप्टर का फिफ्थ पार्ट है. पहले के फोर पार्ट्स को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं संथाल्स के बारे में. संथाल्स के बारे में कुछ डिस्कस जो है हमने अपने पिछले पार्ट में भी किया था कि किस तरह से संथाल्स राजमहल की पहाड़ियों पर जा बसे थे और वहाँ पर रहने वाले लोगों को उन्होंने नीचे की तरफ धकेल दिया था और उस एरिया पर जहाँ पर पहाड़ीज रहते थे उस फॉरेस्टेड एरिया को क्लियर किया और उसे जो है कल्टिवेशन लैंड में चेंज कर दिया था. आज संथाल्स के बारे में डीपली हम रीड आउट करने वाले हैं. 1810 के एंड में जब बुकानन ने गुंजरिया पहाड़ को क्रॉस किया जो कि राजमहल पहाड़ियों का ही एक पार्ट था, वहाँ की रॉकी कंट्री के बियॉन्ड वो एक गांव में पहुँचा. इस गांव को अभी अभी जो है कल्टीवेशन के लिए क्लियर किया गया था. यहाँ के लैंडस्केप को देखकर बुकानन ने पाया कि अगर इस लैंड के ऊपर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर की जाए तो इस लैंड को एक बहुत अच्छी लैंड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. और उसने लिखा, गुंजरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है और इससे पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में, कितने ग्लोरियस इलाके में बदला जा सकता है. मैं सोचता हूँ, मीन्स बुकानन आगे लिखते हैं कि मैं सोचता हूँ इसकी जो ब्यूटी और रिचनेस है वो वर्ल्ड के किसी भी डेवलप्ड एरिया के जैसे की जा सकती है. हालाँकि इस एरिया की जो लैंडस्केप है वो चट्टानी है, हिली है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा फाइन है. जब बुकानन में यहाँ पर कल्टिवेट होने वाले टबैको और मस्टर्ड्स को देखा तो उसने पाया कि जितना फाइन टबैको और मस्टर्ड यहाँ पर ग्रो होते हैं वो किसी भी दूसरे पार्ट में ग्रो नहीं होते हैं. ऑन इंक्वायरी ही डिस्कवर, अपनी इंक्वायरी करने पर उसे पता चला कि यहाँ संथालों ने एग्रीकल्चर लैंड की जो फ्रंटियर्स हैं उनको बढ़ा लिया था. वे 1800 के आसपास जो है इन एरियाज़ में आए थे. यहाँ पर रहने वाले पहाड़ी लोगों को उन्होंने नीचे की ढलानों में भगा दिया था और जंगलों का सफाया किया और फिर यहाँ पर वो बस गए थे. अब क्वेश्चन ये अराउज होता है कि जो ये संथाल थे वो पहाड़ी एरियाज़ में राजमहल की पहाड़ियों पर कैसे पहुँचे. 1780s में जब रेवेन्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी तो जमींदार लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया को क्लियर करने के लिए संथाल लोगों को हायर कर रहे थे. अब इनका ध्यान, ब्रिटिशर्स का ध्यान भी इनकी तरफ गया और ब्रिटिशर्स ने इन्हें जो है जंगल महल में रहने के लिए इनवाइट किया. अब जो पहाड़ी लोग जो कि जिनसे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करें और वहाँ पर एक एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चर करें, जो उनके कहने को नहीं मान रहे थे, ना ही अपने फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे और ना ही हल का यूज़ कर रहे थे, प्लग का यूज़ नहीं कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा उनका जो बिहेवियर था वो ज़्यादा से ज़्यादा टर्बुलेंट होता जा रहा था और भी ज़्यादा उपद्रवी होता जा रहा था. इसके कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने पाया कि जो संथाल्स हैं वो आइडियल्स टेलर्स हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, हल्का यूज़ कर रहे हैं अपनी पूरी ताकत के साथ और लैंड को कल्टीवेटेड लैंड में चेंज कर रहे हैं. तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्हें जो है 1832 में राजमहल की फुट हिल्स यानी कि नीचे की जो ज़मीनें थी, तलहटी थी, वहाँ पर भेज दिया गया. उनके एक इलाके को उन्हीं का एक इलाका डिक्लेयर कर दिया गया और इस इलाके का नेम रखा गया नामिन इको में भागलपुर से लेकर राजमहल तक का इलाका शामिल था. इस इलाके को उन्होंने पूरी तरह से क्लियर किया, यहाँ पर रहना शुरू किया, पूरी तरह से क्लियर किया, खेती की और यहाँ के सेटल्ड पीजेंट्स वो बन गए थे. जो भूमि, जो लैंड संथाल्स को दी गई थी उसके लिए उनके लिए कंडीशन रखी गई थी कि जितनी भी लैंड है उन्हें 10 ईयर्स के अंदर ही इसका 1/10 पार्ट पूरी तरह से साफ करना है और उसको कल्टिवेशन के लिए सही बनाना है. अब उनकी जो लैंड है उसको सर्वे किया गया, उसको उसके मैप्स बनाए गए और जितनी भी उनकी बाउंड्रीज थी उन बाउंड्रीज को पिलर्स के थ्रू एनक्लोज कर दिया गया जो कि सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट और पहाड़ी जो हिल्स थे, पहाड़ी जो लोग थे उनसे बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर दिया गया था. ओके, दामिनों को बनने के बाद अब संथाल्स जो है उन्होंने अपनी सेटलमेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया था. सेटलमेंट बढ़ाने के साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड बढ़ी, वहाँ पर एग्रीकल्चर और ज़्यादा होना शुरू हो गया था. धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1838 में उनके जो विलेजेस थे टोटल 40 विलेजेस थे, लेकिन 1851 में वो विलेजेस बढ़कर 1437 हो गए थे. वहीं पर अगर उनकी पॉपुलेशन की बात करें तो 1838 में उनकी पॉपुलेशन 3000 थी जो कि
1951 में बढ़कर 82,000 तक चली गई थी। सो इस तरह से धीरे धीरे जो है उनका एग्रीकल्चर लैंड पॉपुलेशन और एरिया सब कुछ बढ़ता चला गया था। जैसे जैसे कल्टीवेशन एक्सपेंड होती चली गई वैसे वैसे जो है कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्हें रिवेन्यू ज़्यादा मिलने लगा। कंपनी के ऑफिसर्स की तिजोरियाँ जो है बढ़ने लगी थी, भरने लगी थी रिवेन्यू की वजह से। ओके, जो संथाल्स के मिथ्स और सॉन्ग्स हैं 19th सेंचुरी के, उनके जो मिथ्स और सॉन्ग्स हैं उनमें उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से संथाल्स पास्ट में कॉन्टिन्यू बिना रुके जो है अपनी सेटल्ड प्लेस के लिए सर्च में चलते रहते थे। लेकिन जब दामिन एको उन्हें रहने के लिए मिला तो वहाँ पर लग रहा था कि भाई हाँ अब उनकी जर्नी का एंड हो गया है। वो जिस ज़मीन के बारे में खोज रहे थे अब वो ज़मीन उन्हें मिल गई है। ये सारी चीज़ें उनकी मिथ्स और सॉन्ग्स के अंदर लिखा हुआ है। अब जब संथाल्स राजमहल की पहाड़ियों पर रहने के लिए आए तो पहाड़ीज ने उनका रेजिस्ट किया। अल्टीमेटली पहाड़ीज को उनके द्वारा हरा दिया गया और उन्हें जो है डीपर हिल्स में भेज दिया गया था। उन्हें लोअर हिल्स में नहीं जाने दिया गया, नीचे की जो हिल्स थी वहां पर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वहां की लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। उन्हें ऊपर की हिल्स में भेजा गया जहां पर लैंड ड्राई थी, बैरन थी और रॉकी थी। अब इस चीज़ से उनके जीवन पर बहुत, उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई उनकी लाइफ इस चीज़ से। वो जो है गरीब होते चले गए, वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर के ऊपर डिपेंड करते थे। इसके लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते थे और नए नए लैंड्स को ढूंढते रहते थे जहाँ की सॉइल फर्टाइल होती थी। लेकिन अब जो मोस्टली फर्टाइल सॉइल थी वो दामिन के अंडर आ गई थी। परहैप्स जो पहाड़ीज थे उनके लिए कल्टीवेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, उनके एनिमल्स के लिए पास्चर्स पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। उनकी लाइफ जो है अब एक बहुत ही बुरे मोड पर आ गई थी और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। इवन जो हंटर्स थे पहाड़ीज के उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था क्योंकि फॉरेस्ट क्लियर हो रहे थे, फॉरेस्ट में ही रहने वाले एनिमल्स को वो हंट करते थे और इसी वजह से हंटर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। ओके, By contrast, give up their earlier life of mobility and settle down cultivating a range of commercial crops for the market, dealing with traders and money lenders. और इसके contrast में अगर हम संथाल्स के बारे में बात करें तो उन्होंने settled life जीना शुरू कर दिया था। अब वो market में बिकने वाली जो एग्रीकल्चर्स होते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते थे उन्हीं को कल्टीवेट करते थे। ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के साथ उन्होंने डीलिंग करना भी शुरू कर दिया था। ओके, हाँ जी, द संथाल हाउएवर सून फाउंड दैट द लैंड दे हैड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन वॉज स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड्स। अब संथाल ने जल्दी ही पाया कि जिस लैंड को उन्होंने कल्टीवेशन के लिए साफ किया था वो लैंड जल्दी ही धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलती जा रही है क्योंकि जो कंपनी थी वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती जा रही थी और मनी लेंडर्स उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे रहे थे जिसकी वजह से वो पैसे को नहीं चुका पा रहे थे और उनके डेब्ट्स, उनके कर्जे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे थे। और जमींदार्स भी जो दामिन एरिया था वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि दामिन के अंडर का जो एरिया है वो उनका भी एरिया है। ओके, सो 1850s में संथाल्स ने ये फील कर लिया था अब वो टाइम आ गया है कि भाई अब हमें इन लोगों के खिलाफ, किनके खिलाफ, जमींदार, मनी लैंडर्स और कॉलोनियल स्टेट्स के खिलाफ रेबल करना है और अपने लिए एक आइडियल वर्ल्ड जो है क्रिएट करना है। इसके लिए उन्होंने रिवॉल्ट किया। संथाल्स रिवॉल्ट जो है 1855 और 1856 में चला लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके रिवॉल्ट को दबा दिया गया। ब्रिटिशर्स यहाँ पर जीत गए थे। जीतने के बाद उनकी लैंड को जो है श्रिंक कर दिया गया था। अब उनकी लैंड टोटल जो है 5500 स्क्वायर माइल्स तक ही रह गई थी जो कि भागलपुर से लेकर बिरारपुर तक के बिरहुपुर तक का गांव था और ब्रिटिशर्स होप कर रहे थे कि अपनी नई टेरिटरीज को पाकर जो है संथाल्स खुश रहेंगे और वो पीसफुल जो है एग्रीकल्चर करते रहेंगे। यहाँ पर सिद्धू मांझी की पिक्चर दी हुई है जो कि संथाल्स के रेपेलन के लीडर थे। संथाल्स का जब रिवोल्ट किया तो उस टाइम पर ये लीडर थे। यहाँ एक पिक्चर दी हुई है जिसमें संथाल्स ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं। ये पिक्चर 23 February 1856 को लंदन न्यूज़ में छपी थी जिसके थ्रू ये दिखाया गया था कि भाई ये पीसफुल रहने वाले लोग अब कितने जो है उपद्रवी हो गए थे। इस पिक्चर में शो किया जा रहा है कि संथाल्स के गांव किस तरह से जल रहे हैं और ये पिक्चर भी लंदन न्यूज़ में 23 February 1856 को ही प्रिंट की गई थी। अब यहाँ पर एक और पिक्चर है जो कि 1856 में ही लंदन न्यूज़ में प्रिंट हुई थी। इसमें संथाल्स लोगों को कैदी बना लिया गया है। एक ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है
इस एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है और अपने हुक्के को पी रहा है, और जो कि इनकी पावर को शो कर रहा है कि भाई हाँ उनके हाथों में पावर है और संथाल्स के हाथों में अब किसी टाइप की कोई भी पावर नहीं है। सो 1856 में उनके रिवोल्ट को दबा दिया गया था, और रिवोल्ट को दबाने के बाद उनके एरिया को श्रिंक कर दिया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट द अकाउंट्स ऑफ बुकानन, बुकानन के जो भी अकाउंट्स थे। अब अपनी जानकारी के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बुकानन्स के अकाउंट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जो भी हमें जानकारी मिली है संथाल्स के बारे में या पहाड़ीज के बारे में, हम सारा का पूरा डिपेंड जो है बुकानन के अकाउंट्स पर ही करते हैं। लेकिन हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक ऑफिसर था। वो जो भी करता था, उसकी जो जर्नीज होती थी, वो सिंपली लैंडस्केप के लव और डिस्कवरी के डिज़ायर के ऊपर ही, उससे इंस्पायर होकर ही नहीं करता था, बल्कि वो जहाँ पर भी जाता था अपने साथ ड्रॉट्समैन, ड्रॉट्स मीन्स मैन मीन्स जो लोग मैप बनाते हैं, वो मैप बनाने वाले सर्वेयर, पालकी बेरर्स, कूलीज, ये सारे लोग जो है उसके साथ होते थे, और इन सब का खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही उठाया जाता था, क्योंकि बुकानन जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था उस इंफॉर्मेशन की कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि जब कंपनी ने अपने कॉमर्स को, अपने पावर और कॉमर्स को एक्सपेंड कर लिया था, यानी कि ट्रेडिंग को और अपने पावर को एक्सपेंड कर लिया था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को तरफ देखने लगे थे, और ये देखने लगे थे कि किन एरियाज को हम कंट्रोल और एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जो है जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स की ज़रूरत थी। अब बुकानन्स अनडाउटफुली एक ऐसा ही पर्सन था जो लैंड के बारे में सब कुछ जानता था। बुकानन जहाँ कहीं भी जाता था उस लैंड को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता था, सॉल्स को देखता था। उसने बहुत सारे मिनरल्स और स्टोन्स की भी खोज की, डिस्कवरी की थी, जैसे कि मीका, ग्रेनाइट और सॉल्ट पीटर, इन सब की डिस्कवरी की, और उसने जो है सॉल्ट मेकिंग और आयरन ओर माइनिंग्स की जो भी प्रोसीजर होता है उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया, और यही सारी चीज़ें जो हैं फिर कंपनी के द्वारा जो है लागू भी की गई थी। ओके, व्हेन बुकानन रोट अबाउट अ लैंडस्केप, जब भी बुकानन किसी लैंडस्केप के बारे में लिखता था, तो सिर्फ वो ये नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा, वो लैंडस्केप कैसी है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी लिखता था कि किस तरह से इस लैंड को ट्रांसफ़र करके मोर प्रोडक्टिव लैंड बनाया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर नई एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर्स की जा सकती हैं, कौन कौन सी यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, किन ट्रीज़ को यहाँ से कट किया जाना चाहिए, कौन कौन से नई ट्रीज़ यहाँ पर उगाए जाने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस में लिखता रहता था। सो जब भी हम उसको उसके रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ज़्यादा लिख रहा था, बल्कि इन पहाड़ीज और संथालों के बारे में बहुत कम लिख रहा था, और सारी की सारी बातें कंपनी के प्रेज में ही बहुत ज़्यादा वो लिख रहा था। ओके, जो रिवॉर्ड था संथाल्स का उसमें भी, उसके लिए भी उसने जो रिकॉर्ड्स लिखे हैं वो भी सारे के सारे उसने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखे हैं। सो यहाँ पर हमारी ये सेकेंड यूनिट कम्प्लीट होती है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू 12th एग्जाम्स। अगर हम 12th के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब जो है सिलेबस को रिवाइज कर लिया गया है। सिलेबस के रिवाइज होने के बाद थर्ड और फोर्थ यूनिट को कट कर दिया गया है सिलेबस से। सो इट मीन्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है कम्प्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर से रिलेटेड हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। टेल मी इन कॉमेंट सेक्शंस। अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, देन गिव मी अ थम्स अप, शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। Thank you, bye-bye, keep learning.